अगर हौसले बुलंद और हिम्मत हो तो बेटियां इतिहास रचती हैं। चाहे मंचले कितने ही आगे क्यों ना आए, लेकिन अगर बेटियां हिम्मत दिखाएं तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। कुछ इसी तरह का उदाहरण पेश किया है रिया ने, जो अपनी दादी के साथ जानी थी, लेकिन कुछ लुटेरे जो बदमाश थे उन्होंने इनकी दादी साहब थी उनके कुंडल छीनने का प्रयास किया, लेकिन इस बेटी ने अपनी हिम्मत दिखाई और अपनी हिम्मत के माध्यम से, अपने हौसलों के माध्यम से उन बदमाशों को पस्त किया और उनमें से एक बदमाश को गिरा भी दिया, जिससे कि वो एक कुंडल लेकर ही भागे। बेटी का जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, मेरठ पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए उन बदमाशों को 7 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया। ऐसे में हम रिया से जानना चाहेंगे, क्योंकि आज अगर मेरठ में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो रिया की इसी बहादुरी की हो रही है, क्योंकि अगर अन्य बेटियाँ भी इसी तरीके से बहादुरी दिखाएं और इसी तरीके से मुकाबला करें तो जिस तरीके से बेटियों के साथ घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे छेड़छाड़ की हो, किसी भी प्रकार की हो, अगर सभी बेटियां इसी तरीके से सबक सिखाएं तो शायद इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। ऐसे में हम रिया से जानना चाहते हैं। रिया, पहले तो न्यूज 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आपको मेरठ SSP द्वारा भी सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जब बता रहे हैं कि बदमाश बाइक पर थे और दादी जी के कुंडल छीनने का प्रयास किया, आपने किस तरीके सुने था? जी, जैसे ही वो कुंडल छीनकर भाग रहे थे तो दादी जी गिर गई थी, बस उनका देखकर मुझसे सहा नहीं गया तो फिर मैं उनके पीछे भागी, तो मैंने उनसे मेरी हाथापाई, वो बाइक पर से भी गिर गए थे, उसके बाद मैंने उनसे एक कुंडल छीन लिया था और एक वो लेकर भाग गए थे। अच्छा, ये बताइए किस तरीके से, क्योंकि देखा दो बता रहे थे तेज बाइक पे थे, किस तरीके से आपने सामना किया? ये नहीं देखा, क्योंकि जब बदमाश हो तो उन पर कई तरह की चीज़ें भी होती हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से किया घर वाले, किस तरीके से आप? जी बिल्कुल, जब उन्होंने मेरी दादी जी के टॉप छीने तो बस फिर उस टाइम मुझे गुस्सा आ गया, बस ये था कि जैसे तैसे उनसे छीनने ही है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि अगर हम बात करें तो बेटियां जब इस तरीके से करती हैं तो अन्य जो बेटियां होती हैं उन्हें भी हिम्मत मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बेटी ने कार्य किया है, मैं सभी बेटियों से अनुरोध करूँगा कि वो बदमाशों से घबराएं ना, डटकर सामना करें। जीवन में जीवन और मृत्यु दोनों एक पहलू हैं जो लगे रहेंगे। जिस तरीके इस बच्ची ने उनका बदमाशों का सामना किया है, हर बेटी को, मेरी अपनी बेटी जो सभी भी मेरे हमारे देश की बेटियां, उन्हें इसी तरीके से सामना करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी मैम, आज आपकी बेटी की हर जगह चर्चा हो रही है क्योंकि इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, 18 साल की हैं और बदमाशों को इन्होंने घेर भी लिया था एक को, क्या कहना चाहेंगी? सर, सबसे पहले तो मैं उसकी इतनी बहादुरी दिखाई, उसके लिए उसका बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत सराहनीय काम किया है उसने, जो कि हमें नहीं पता था वो कर सकती है। बट दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि उसके साथ कुछ लोगों ने बहुत गलत भी किया, वहाँ सभी मौजूद थे, आसपास सभी देख भी रहे थे, सभी वीडियोस भी बना रहे थे, पर किसी ने भी मदद नहीं करी। मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने माध्यम से कि अगर इस तरह किसी भी बेटी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसकी कृपया करके मदद करें। ये नहीं कि आप सिर्फ कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, ये सब गलत है, साथ दें एक दूसरे का। क्या कहना चाहेंगी अम्मा जी, क्योंकि आजकल हम देखें तो हर कोई कहता पोता हो, लेकिन आपकी पोती ने जो हिम्मत दिखाई, जो साथ दे रही है, वो पोता पोती कोई नहीं दे देगा। खुश है कि जिस तरीके से आप बहुत खुश हैं हम, तो कह सकते हैं फौरन ही वहीं पहुंच गए थे, तो कह सकते हैं कि इन्होंने भी एक बात अच्छी कही, क्योंकि आजकल हम बात करें तो समाज एक तमाशबीन भी बन गया है, जब कोई ऐसी घटना होती है तो बचाव और आगे बचाने के बजाय लोग वीडियो बनाना पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने सही कहा कि अगर हम लोग वीडियो बनाने की जगह का मदद करें तो जितनी भी आपराधिक घटनाएं हैं उन पर लगाम लगेगी। बहरहाल आज मेरठ में हर जगह रिया की ही चर्चा हो रही है। न्यूज 18 की तरफ से भी हम रिया को बधाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सामना करा है, ये अन्य बेटियों के लिए भी एक उदाहरण बन गई है। न्यूज 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।